أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى حرم أمير المؤمنين عليه السلام نجف إشرف سي अमार फर्फ अलविया इंटरनेशनल शारकोस के ये दुरुस्त जारी हैं और उन्नीस नंबर दर्स आपकी ख़िदमत में पेश किया जा रहा है हमारी गुफ्तु दायमी निका में माहर के मतलब चल रही थी और आज की हमारी गुफ्तु ये है कि माहर कितनी किस्म का होता है और एक खातून निकाह के बाद किस टाइम पर माहर ले सकती है माहर की हमारे यहाँ दो किस्में हैं एक को माहर हाली कहते हैं और इसी माहर हाली का दूसरा नाम माहर मुअज्जल है आइन के साथ यानी जल्दी और दूसरा जो माहर है वो मुअज्जल है कि जिसमें मुद्दत होती है टाइम होता है इनकी तारीफ यूँ है कि माहर हाली के हैं या सिदाक़ हाली के हैं या माहर मुअज्जल के हैं उसका ये मतलब होता है कि उसमें मदत नहीं रखी जाती जिस माहर में ये जिक्र ना किया जाए कि माहर उसने कब देना है तो वो माहर मुज्जल होता है माहर मुज्जल क्या मतलब कि शादी के बाद जब भी बीवी मुतालबा करेगी उसको फौरन देना वाजिब होता है और एक इंसान ने अगर यूँ माहर मोहन किया कि पचास हजार माहर पे मैं जो है वो शादी करता हूँ और ख़ातून इसी पचास हज़ार माहर पर राज़ी थी उसने ये नहीं कहा कि पचास हज़ार जो माहर मैंने देना है एक साल के बाद देना है या दो साल के बाद या जब मेरी इस्तात होगी तब दूंगा इस तरह को कोई बात नहीं की तो ये माहर माहर मुज्जल होगा यानी खातून के मुतालबे पे बीवी के मुतालबे पे फ़ौर उसे देना वाजिब हो जाएगा ये उसूरत उस में होता है कि जब माहर के पैसे ख़ारिज में मुयन नहीं किए जाते कि जो माहर की एक हमने बयान किया था कि माहर क्या हो सकता है वहाँ पे हमने बयान किया था कि माहर के खारिज में चीज़ मुन करके आप रख देते हैं चाहे वो नोट की शक्ल में हो कोई चीज़ हो ये उसके अलावा में ये ऑप्शन चल सकता है जब आप खारिज में कोई चीज़ मुन करके रखते हैं प्रैक्टिकली तौर पर कि ये वाले पैसे हैं तो वो वहाँ पर माहर मुज्जल ही हो जाता है यानी फ़ौर वो तो दे दिया जाता है अगर आप खारिज में मुयन नहीं कर रहे और आप ये कह रहे हैं कि मैं दूँगा इतना माहर होगा तो वो भी माहर मुज्जल ही कहलाता है यानी जब भी बीवी मुतालबा करती है उसे देना वाजिब हो जाता है और दूसरा इसके मुकाबले में माहर मज्जल है माहर मअज्जल का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई टाइम रखा जाता है कोई ना कोई मुद्दत रखी जाती है अब इसका मुद्दत का बड़े दकीक तरीके से मुन होना ज़रूरी नहीं होता जबकि जो निका मुद्दा है वहाँ पर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वहाँ पर माहर का बड़े धकीक तरीके से उसका क्या है मुन होना ज़रूरी होता है निकाह दहमी में इतनी जो है वो माहर की सख्ती नहीं होती बस ये है कि माहर मज्जल में कोई ना कोई टाइम वो ज़िक्र कर दे जैसे वो यूँ कह सकता है कि जैसे औलाद पैदा होगी बच्चे पैदा होंगे या वो ये कहे कि एक साल बाद या वो यूँ भी कह सकता है कि जब मेरी इस्तात होगी इस माहर को कहते हैं माहर इंद इस जो माहर इंद इसत होता है उसको भी माहर मज्जल की जो है वो किस्म में दाखिल किया जाता है कि इस्तात के, के वक्त या बच्चा जनने के वक्त या इतने अरसे के बाद या साल बाद या दो साल बाद यानी कोई ना कोई उसमें मुद्दत रखी जाए अगर कोई ना कोई उसमें मुद्दत रखी जाती है कि जिसमें बिल्कुल इबाह नहीं होता तो ये माहर क्या होता है माहर मुअज्जल बन जाता है अच्छा यहाँ पे सै सस्सानी दाम मजबूर आलिन ने लिखा कि जैसे ही निकाह हो जाता है तो खातून जो है महर की मालिक बन जाती है और अगर महर मुअज्जल है तो वो मुतालबा करेगी और ख़ातून लेके उसे खर्च कर सकती है ख़र्च कर सकती है किसी को दे सकती है कोई चीज़ उससे अपनी ख़रीद सकती है जो भी तसरुफा इंसान अपने माल में करता है यानी जैसे ही निकाह पड़ा जाएगा अभी रुखती ना भी हो तो ख़ातून को यह हक होता है कि जो मारे मार्जल है वो ले ले और उसमें क्या करे तसरुफा करे, बस इसमें ये एक जो है वो फिकी नुक़ा रहता है कि अगर उनकी रुखती हो गई और रुखसी के बाद जमा हो गया तो जमा होने के बाद तो फिर ये सारे माहर की मुकम्मल तौर तो पर मालिक बन जाती है लेकिन अगर अभी तक जमा नहीं हुआ हम बिस्तर नहीं हुई तो ये आधे माहर की तो मालिक बन जाती है लेकिन जो दूसरा आधा माहर है इसकी जो मिलकियत है वो एक पक्की पक्की मिल्कियत नहीं रहती वो एक मुकम्मल पक्की मिलकियत बनना के जिसमें शोर वापस ना ले सके वो तब होता है कि जब जमा हो जाए अगर जमा नहीं हुआ और शोहर उसका फौत हो जाता है या शोहर उसको तलाक दे देता है तो फिर जो आधा माहर है वो इसे वापस करना होता है और आधे माह के ये फिर मालिक नहीं होती माहरे मज्जल का और जैसे माहर हाली कहते हैं उसमें एक और फीकी नुक्ता ये भी आता है कि अगर खातून माहर अभी तक खातून ने वो माहर अपने हाथ में नहीं लिया तो खातून को शरीय ये इख्तियार देती है कि वो हम बिस्तरी करने से शोहर को रोक दे और शोहर से कहे कि जब तक महर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रोक दूँगी तो ये ख़ातून के लिए जायज़ होता है वहाँ पे ख़ातून के पास ये हक होता है लेकिन अगर उसने एक दफ़ा हम बिस्त्री करवा ली और हम बिस्त्री करने पे राज़ी हो गई ये नहीं कि ज़बरदस्ती हुई है अपनी मर्ज़ी से राजी हो गई तो फिर अगर उसे मार नहीं मिल रहा तो बाद में उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो शोहर को रोक दे के भाई जब तक तुम माहर नहीं दोगे मैं हम बिस्तरी से इनकार करती हूँ तो बाद में उसके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है तो लिहाजा शुरू में उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो ये मुतालबा कर सकती है कि मेरा माहर मुज्जल है यानी हाली है तुमने फ़ौर लेना है उसमें कोई टाइम हमने मुयन नहीं किया हुआ तो ख़ातून को ये हक है कि वो इज्जवाजी हक अदा करने से इनकार कर दे और ये मुतालबा करे कि पहले जो है वो मेरा माहर अदा किया जाए लेकिन अगर ये माहर क्या है हाल ही ना हुआ यानी माहर मुज्जल ना हुआ कि जिससे एडवांस में दिया जाता है या जिसके अंदर कोई टाइम नहीं होता बल्कि माहर मुज्जल होके जिसकी कोई ना कोई मुद्दत रखी गई हो चाहे एक साल की दो साल की या किस जो है वो वज़ हमल की या कोई भी इस तरह की मुद्दत रखी गई हो तो वहाँ पर फिर खातून के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो इनकार करे वो कहे कि जब तक मार नहीं दोगे मैं इस दवाज़ हकूक अदा नहीं करूँगी फिर खातून के पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है सही सिसानी दामदुल्ल ने यह लिखा कि अगरचे वो मदद आ भी चुकी हो वो टाइम पूरा हो चुका हो फिर भी खान के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो माहर मअजल में कि जिसकी मुद्दत होती है टाइमिंग होती है वहाँ पे जो है वो जिनसी तल्लत से और इस दवाजी हक़ूक़ को पूरा करने से इनकार करे उसके पास ये इख्तियार नहीं होता फ़क्त माहर मुआजल आइन से कि जिसमें मुद्दत और टाइम नहीं होती वहाँ पर ख़ातून के पास ये इख्तियार है और इसी तरीके से हम अगले मसले की तरफ पढ़ते हैं कि ये जिस तरीके से हमने आपके सामने जिक्र किया कि माहर आइन से मुआजल होता है कि जिसकी कोई टाइम नहीं होती और माहर मुज्जल जिसकी कोई ना कोई मुद्दत रखी जाती है तो ये एक माहर के आप दो हिस्से भी बना सकते हैं कि कुछ माहर जो है वो मुआजल कर दें कि एडवांस दे दें और उसी निकाह के बाद ही दे दिया जाए मुआजल और कुछ माहर का हिस्सा जो है वो उसमें मुद्दत रख दी जाए कि ये जो बाकी माहर है आधा माहर है यादें से ज़्यादा यादें से थोड़ा जितना रखना चाहे कि ये मैं इतने अरसे के बाद दूँगा तो ये शरीय ने इख्तियार दिया है यानी जिस तरीके से पूरे का पूरा माहर जो है वो मुद्दत वाला आप रख सकते हैं कि इतने अरसे के बाद महार दूंगा या जब इससे ताँत होगी तो माहर दूंगा इसी तरीके से आधा महार भी जो है वो रख सकते हैं आधे से थोड़ा भी रख सकते हैं तो ये क्या इख्तियार रहता है कि माहर सारे के सारा मुअज्जल हो आइन से सारे के सारा मुअज्जल हो कुछ क्या है मुअज्जल हो खाली और कुछ क्या हो मुअज्जल हो तो ये शरीयत ने क्या यहाँ पे इख्तियार दिया है एक इंसान के जिसने जो है वो मार रखा है लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैं मार बीवी को नहीं दूंगा तो इस तरीके से क्या उसका निकाह बातिल हो जाएगा सही सीसान दामजूल ने यहाँ पे फतवा दिया कि इसका निकाह बातिल नहीं होगा हाँ उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो माहर उसके ज़िम्मेदारी है अदा करना उसकी परवाजब है चाहे माहर मज्जल हो या माहर मअ्जल हो वो उसकी गर्दन के ऊपर बाकी रहेगा इसकी नीयत रखने या न रखने से इसका कोई तल्लुक नहीं है रियत रखे या ना रखे जब शादी के अंदर माहर का जिक्र हो गया माहर मुन हो गया तो उसके बाद इनका निकाह ठीक है हाँ अब इसकी जिम्मेदारी है कि इस माहर को क्या अदा करे अच्छा इसी तरीके से जो दैमी निकाह है उसमें जो माहर को मुयन करना है कि कौन सी चीज होगी क्या चीज़ होगी कितने पैसे होंगे उसका मुन करना भी जरूरी नहीं होता कि निकाह से पहले मुयन किया जाए बल्कि दायमी ने कहा में ये ऑप्शन रहता है कि इंसान ने कहा करे और बीवी से कह दे कि तुम बाद में जो महार मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूँगा जितना मार तुम कहोगी वो मैं दे दूँगा या महार मिन करना तुम्हारे हक हाँ में है। बीवी शोर से कह सकती है कि जितना तुम मार देना चाहो तुम दे सकते हो वो मुयन ना करें एक दूसरे के ऊपर छोड़ दें तो ये भी क्या हो सकता है हाँ इसमें एक नुकता रहता है कि एक जो हद हदाशरे में होती है कि जिसकी तरफ किसी का जहन ही नहीं जा रहा होता कि ये वाली जो है वो मार वो रखेंगे तो उस हद से जहरी बात है कम मार क्या है बाद में रखना होता है अब जो जिसकी तरफ दोनों का जहन ही नहीं जा रहा कि वो बहुत बड़ी कोई ज़मीन मांग रहे बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग ले जिसकी तरफ आम तौर पर जहन नहीं जाता वो चीज़ें फिर इसमें नहीं होंगी और सै सिस्तानी दाम मजरूल आिखा कि अगर वो बाद में ऐसा माहर रखती है कि जो माहर सुन्नत से बढ़ के है पे जो पाँच सौ ग्राम है और आजकल के ज़माने में आ, सवा किलो चांदी हमने बताई थी कि तकरीबन बारह साढ़े बारह सौ ग्राम जो है चांदी बनती है तो अगर बारह साढ़े बारह सौ ग्राम चांदी से ज्यादा जो है वो ख़ातून बाद में माह मोजन करती है तो एहतियात वाजिब के तौर पर ऐसा उसके लिए करना जायज़ नहीं है और एहतियात वाजिब का यह तकाजा है कि अगर उसे इख्तियार दिया गया है तो वो इससे कम माहर जो है वो मोजन करे इससे ज़्यादा क्या है वो मोयन ना करे अच्छा एक और यहाँ पे मसला ये आता है कि अगर शोहर तलाक देता है या शोहर की मौत वाकई हो जाती है तो क्या ये माहर जो उसने नहीं दिया था क्या ये माफ़ हो जाता है तो ऐसा नहीं है बल्कि ये जो माहर है ये शोहर के कंधे पर रहता है कि जैसे फ़िक्र में हम क्या कहते हैं दैन कहते हैं दैन यानी हम अपनी जबान में कह सकते हैं कि एक तरह का कर्जा कि एक तरह का जो कर्ज है जो शोहर की ज़िम्मेदारी है अदा करना अब अगर शोर फौत भी हो जाता है तो जिस तरीके से उसके बाकी जो कर्जे हैं जो दुकानों पे हैं किसी को उसने पैसे देने हैं इसी तरीके से जो इसकी गर्दन पे कर्ज है ये भी क्या देना होता है बल्कि अगर बीवी फौत हो जाए तो जो बीवी के वारिस हैं वो भी ये क्या मुतालबा कर सकते हैं कि हमारी माँ का जो है वो ये मार था आपने नहीं दिया या उसका जो बाप है वो कह सकते हैं मेरी बेटी का जो है उतना मार था यानी जो वारिस बनते हुए वो भी क्या मुतालबा कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमारा कोई मरहूम हमारा कोई मंदा मरता है रिश्तेदार कोई फौत होता है और उसके किसी ने पैसे देने होते हैं तो उसके जो वारिस होते हैं वो मुतालबा कर सकते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल जो माहर का कानून है वो यही कर्जे की तरह क्या चलता है अब यहाँ पर अगर तो जो है वो शोर फ़ौत हो गया तो यहाँ पर जो है वो दो सूरतें होती हैं कि अगर ये फ़ौत हुआ है उस वक्त फौत हुआ कि जब जिमा और हम बिस्तरी हो गई थी और उसके बाद ये फ़ौत हुआ निका हो गया रुखसी हो गई जमा हो गया हम बिस्तरी हो गई तो फिर भी इसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इसका जो माल है उससे पूरे के पूरा जो है वो माहर कह लिया जाएगा अगर ये फौत हो गया तो पूरे का पूरा माहर क्योंकि हम बिस्तरी हो चुकी है और अगर हम बिस्तरी नहीं हुई हम बिस्तरी से पहले ही ये फौत हो गया निकाह हुआ अभी रुखती नहीं हुई तो फौत हो गया तो फिर जो बीवी है वो इसके माल से जो है वो आधा क्या माहार उठा सकती है पूरा क्या है नहीं उठा सकती और बिल्कुल यही कानून सही सिस के मुताबिक तलाक वाली सूरत में भी है कि अगर शोहर जो है वो तलाक देता है तो फिर ये देखा जाता है कि तलाक उसने कब दी है अगर उसने जो है वो तलाक तब दी है कि जब जमा कर लिया था अम्बिस्त्री कर ली थी तो फिर तो इसे पूरे का पूरा मार देना इसके ऊपर वाजिब हो जाता है कि पूरा मार अदा करे और अगर इसने तलाक जो है वो उस वक्त दी थी कि जब जमा नहीं हुआ था तो फिर इसके ऊपर आधे मार का देना वाजिब होता है अच्छा यहाँ पर माहर की गुफ्तु तकरीबा जो है वो अहम अहम मसायल मुकम्मल हो गया और एक और आखिरी मसला कि माहर में ये बीवी के पास इख्तीार रहता है कि वो माह माफ़ कर सकती है अपना बख्श सकती है जिसमें उसे वाजाज में और वाज तौर पर यह कहना होता है कि जो तुम्हारे जिम्मे पर मेरा माहर है मैं वो तुम्हारा जिम्मा क्या आजाद करती हूँ और मैं माफ़ करती हूँ कि तुम ये कहे मार मुझे अदा ना करो तो ये खातून के पास क्या ऑप्शन रहता है और वो इस तरह से कर सकती है मार की बहस के आखिर में सी सिसानी दामजर आलिन ने एक और मसले को डिस्कस किया कि और उसका फारसी में नाम भी लिखा कि शीर बहा जैसे कहते हैं और हमारे बरसवीर के माशरे में उसे दूध पिलाई की रस्म कहते हैं कि दूध पिलाई की रस्म के, के, के दौरान जो इंसान की मनकुआ होती है जो बीवी उसकी होती है उसकी जो बहनें हैं और दीगर रिश्तेदार वो कुछ पैसों का मुतालबा करते हैं तो इस मसले को लिखा कि क्या उनके लिए इस पैसे का मुतालबा करना जायज़ है या जायज़ नहीं है तो इसकी जो है वो तीन सूरतें जो है वो उन्होंने जेर बहस की हैं और मुमकिन है कि हर माशरे में इन तीन में से कोई एक सूरत क्या है मौजूद हो पहली सूरत तो यह है कि जो है वो शादी वगैरह हो गई निका हो गई तो उसके बाद जो है वो ये पैसों का मुतालबा किया जा रहा है अब ये पैसों का क्यों मुतालबा किया जा रहा है अगर तो ये पैसों का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि जब तक ये पैसे नहीं देगा इसको जो है वो बीवी नहीं देंगे मन कुआ इसके इसको इसके साथ जाने नहीं देंगे जबकि बीवी भी राजी है वो भी अपनी मर्जी से निकाह कर चुकी है दोनों का निकाह हो चुका है बस अब मुश्किल दरमियान में क्या आ रही है कि ये लोग पैसा मांग रहे हैं कि जब तक वो पैसा ये नहीं देगा इसको जो है वो अपनी मनकूह नहीं मिलेगी जबकि बीवी भी, भी इस बात पर राजी है इसके साथ जाने के लिए तैयार है निकाह भी अपनी मर्जी से कर चुकी है तो ये वो मसला है कि यहाँ पे अगर तो शोहर जो है वो अपनी मर्जी से खुशी के तहत जो है वो दे दे तो फिर तो कोई इसमें इशू नहीं है और ये एक किस्म का हदिया होगा तोहफा होगा गिफ्ट होगा अपनी मर्जी से वो बीवी की बहनों को देता है उसके वालदेन को पैसा देता है अपनी मर्जी से ये नहीं है कि वो जबरदस्ती जो है वो उसके साथ की गई और वो उसका दिल के रही नहीं था तो अगर अपनी मर्जी से दे रहा है तो इसमें कोई शरी मुश्किल नहीं है एक हदिया और तोहफा हो जाएगा ये पहली सूरत हो जाएगी दूसरी सूरत क्या है कि ये अपनी मर्जी से नहीं देता बल्कि ये फंस गया है कि अब जो है वो इससे अपनी बीवी को वहाँ से ले कर आना है और उनके आप कह दें कि उनके चुंगुल से कह छुड़ाना है अपनी बीवी को इसतखलास इसे अरबी में कहते हैं और ये तभी हो सकता है कि जब उसके वालिद को या उसकी बहनों को पैसा देगा तो इस सूरत में जो इसकी बीवी के वालदे हैं उसकी जो बहनें हैं उनके लिए जायज़ नहीं होता कि इससे क्या पैसे का मुतालबा करें और अगर वो पैसे का मुतालबा करते हैं और ये फ़कत इस नीयत से देता है कि अगर मैं पैसा नहीं दूँगा तो मुझे बीवी नहीं मिलेगी और बस मैं फंस गया हूँ अभी मुझे क्या है ये काम करने के लिए बीवी तो मेरी राज़ी है निकाह तो हो चुका है लेकिन ये मुश्किलात दरमियान में डाल रहे हैं उसके रिश्तेदार तो लिहाजा अपनी बीवी को वहाँ से आज़ाद कराने के लिए उसको हासिल करने के लिए वो पैसा क्या उसे देना पड़ता है मजबूरी के तहत तो ये पैसा वो है कि जिसे हम हराम का पैसा कहते कहते हैं कि बीवी के जो रिश्तेदार हैं उसकी जो बहनें हैं उनके लिए पैसा लेना हराम होता है इसका खाना उनके लिए हराम होता है और जब तक ये पैसा मौजूद है ये जो बंदा है यानी जो शोहर है वो मुतालबा कर सकता है कि ये पैसा मुझे वापस करो और अगर वो पैसा उन्होंने लगा दिया है तो उसके बदले में उनको इवज़ क्या है इसको देना पड़ता है क्योंकि ये एक किस्म का हराम पैसा है कि जो उन्होंने एक ऐसी चीज़ की डिमांड के ऊपर लिया है कि जो शरीयत में उनको हक़ नहीं था कि इस डिमांड के ऊपर क्या पैसा लें तो ये दो सूरतें हमारे सामने हैं और इसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्त्य हालात हो सकते हैं तो लिहाजा मुमिन कर हम ने इस बात की तरफ क्या तवज्जो रखें तीसरी सूरत जो इसकी लिखी है जो हमारे माशरे में शायद ज़्यादा राँ हो कि अगर कहीं पर रिश्ता तय हो रहा है तो वहाँ पर लड़की को राज़ी करने के लिए कि लड़की जो है वो रिश्ते के ऊपर मान जाए और खुशी से मान जाए तो उसकी बहनों को कुछ वो पैसे देता है कि तुम जाओ लड़की को राज़ी करो अपनी बहन को राज़ी करो या अपनी बेटी को राज़ी करो तो इसे हम में जो आला कहते हैं कि किसी काम की खातिर जो है वो किसी को पैसा देना कि तुम फ़ला खातून को राज़ी करो कि वो हमारे ख़ानदान में निकाह करे यानी निका के ऊपर राजी हो जाए तो ये हम आपको पैसा दे रहे हैं तो ये जो अलग की में जाती है और इस तरह पैसा देना और लेना क्या होता है हलाल होता है तो लेकिन ये शादी से पहले होगा और दूध पिलाई रस्म में जो हमारे यहाँ निज़ाम चलता है वो शादी के बाद चलता है लेकिन अगर किसी इलाके में फ़र्ज करें कि ये रस्म अभी निका से पहले हो रही है और निकाह से पहले ही उसको जो है वो इस तरीके से करना पड़ता है कि लड़की राज़ी नहीं है लड़की राज़ी नहीं है और वो तभी राज़ी होगी कि जब इस तरीके से उसकी बहनों को ये पैसा देगा और तो उस सूरत में क्या लड़की राज़ी होगी तो यहाँ पे फिर लड़की को राज़ी करने की खातिर ये कर सकता है वो जो हराम वाली सूरत आपके सामने बयान की है कि वहाँ पर लड़की राज़ी होती है निकाह हो चुका है लड़की राज़ी है या निकाह नहीं भी हुआ लड़की राज़ी है लेकिन ये लोग दरमियान में क्या रोड़े अटका रहे हैं ये जो है वो लड़की को वहाँ पे रिश्ता करने से रुकावट बन रहे हैं तो इस सूरत में चूंकि लड़की राज़ी है लड़का राज़ी है दोनों राज़ी हैं और दरमियान में ये जो उसकी बहनें हैं ये मुश्किल डाल रही हैं तो अब वहाँ से अपनी बीवी को आज़ाद कराने की खातिर और उनको पैसा देना तो ये क्या होता है हराम होता है और उनके लिए लेना क्या हराम होता है यानी इसके लिए तो देना जायज़ होगा क्योंकि ये तो उसकी मजबूरी है फाँस चुका है लेकिन उनके लिए जो है वो लेना जायज़ नहीं होगा तो लिहाजा तो ये एक मसला है इसकी तरफ जो है वो सब लोग क्या है मुतव्ज़र हैं यहाँ तक जो है वो माहर की गुफ्तगू हमारे पास मुकम्मल होती है और अब आप, आपकी खिदमत में क्या कुछ सवाल हम रखने जा रहे हैं पहला सवाल यह है कि माहर मुअज्जल और माहर मुअज्जल इसमें क्या फ़र्क है इसका फ़र्क जो है वो मिसाल से बयान करें दूसरा है कि औरत को मार किस वक्त देना वाजिब हो जाता है और तीसरा यह है कि औरत क्या माहर लिए बगैर जिसमानी ताल्लुक से इनकार कर सकती है अभी उसने माहर नहीं लिया तो क्या उसके पास ये इजाज़त है कि वो जिसमानी ताल्लुकात कैम्प करने से इनकार कर दें और चौथा सवाल है कि शोहर के मरने या तलाक़ के बाद क्या शोहर की पर होता है कि वो बीवी को तलाक दे यानी शोहर की परवाजिब होता है, है कि मतलब ये कि शोहर के माल से वो तो मर गया शोहर या उसने तलाक दे दी तो क्या मरने वाली सूरत में उसके माल से और तलाक की सूरत में शोहर खुद जो है वो क्या उसकी परवाजिब है कि वो मार दे बीवी का और अगला सवाल है कि ये जो दूध पेलाई रस्म पे दूल्हे से पैसों का मुतालबा किया जाता है ये मुतालबा करना कब हराम होगा और कब ये पैसे लेना क्या हराम होगा और किस सूरत में क्या ये जायज़ होगा और अगला सवाल है कि क्या औरत के पास ये इख्तियार है कि वो मार को माफ़ कर दे अगर वो मार को माफ़ करे तो उसका क्या तरीका होता है कि वो कैसे क्या है अल्फाज अदा करेगी ताकि उसका माहर क्या है माफ़ हो जाए महमद माली अल्लामक वरहि वर्का